वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। देखिए, रेट्स होती हैं, प्रादेश होते हैं, आप अक्सर बुक में पढ़ते हैं, लेकिन जो बुक की डेफिनेशन होती है वो हमारे माइंड को समझ नहीं आती, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रेट्स हम बार बार भूल जाते हैं या फिर इनमें हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, जो अक्सर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हमसे जो है नहीं हो पाता और हमें मार्किंग जो होती है वो नेगेटिव में चली जाती है। तो आज इनको बिल्कुल सरल भाषा में उदाहरण सहित मैं आपको बताऊंगा इन रेट्स के बारे में, और आप जो है कभी नहीं भूलोगे फिर इन रेट्स के बारे में। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो रिट्स को जानने से पहले सबसे पहले आपको धारा 32 और धारा 226 के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ये धारा 32, आर्टिकल 32 वही है जिसके बारे में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। क्लियर? अब आप सभी जानते हैं हमारे संविधान के अंदर सभी देशवासियों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो आप जो है डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है कि आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए वह विभिन्न प्रकार के जो है प्रादेश जारी कर सकता है। तो 5 प्रकार के प्रादेश जारी किए जाते हैं, परमादेश, निषेधेश, अधिकार प्रेषा और उत्प्रेषण। ठीक है, ये 5 प्रकार के जो है प्रादेश जारी किए जाते हैं। और धारा 226 के अंदर ये जो अधिकार हैं ये उच्च न्यायालयों को भी दिए गए हैं, जो राज्य की उच्च न्यायालय होती हैं उनको। अब पढ़ते हैं वन बाय वन रिट्स के बारे में कि कौन सी रिट क्या होती है। तो चलिए, सबसे पहली रिट है आपकी हैबियस कॉर्पस। अब देखिए, एग्जांपल लेके मैं चलूंगा, हम एक व्यक्ति को ले लेते हैं, कोई भी नाम चूज कर लीजिए आप, ठीक है, उसी व्यक्ति के सारे एग्जांपल लेके चलेंगे और आप जो है देखिए धड़ाधड़ से जो है आप रिट को समझ जाओगे और आपको हमेशा याद रहेंगे। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, मैं उसका नाम रख देता हूं पंकु नाम का एक व्यक्ति है। तो सबसे पहली रिट कौन सी है? हैबियस कॉर्पस। भाई पंकु नाम का व्यक्ति क्या था, सड़क से जा रहा था, पुलिस आई और उसको उठा के ले गई और उसको कारागार में बंद कर दिया। अब पंकु बेचारा परेशान, ठीक है, कि उसको पुलिस ने क्यों पकड़ा, उसने तो कोई अपराध भी नहीं किया था, ठीक है, और पुलिस क्या करती है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती है। अभी पंकु तो बेचारा घर गया नहीं, 24 घंटे थे, उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे, तो क्या करेंगे, ऐसे में रिट दायर करेंगे। उनको पता चला कि पुलिस ने जो है पंकु को पकड़ लिया है लेकिन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, तो उसके घर वाले एक याचिका दायर करेंगे। उस याचिका के बेस पर न्यायालय जो होगा पुलिस को रिट जारी करेगा, कौन सी, हैबियस कॉर्पस। भाई पंकु को लाओ, 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो, बताओ किस आधार पर, किस आरोप के आधार पर आपने जो है पंकु को पकड़ा, ठीक है। यदि वो आरोप, यदि वो आधार निराधार पाए जाते हैं तो पंकु हमारा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो पंकु आपका क्या हो गया, फ्री हो गया। तो कौन सी रिट के तहत, हैबियस कॉर्पस के तहत। तो अब यहाँ पर एक बात निकल कर आती है, देखिए जो रिट है हैबियस कॉर्पस की, उसको पंकु के घर वाले, पंकु का कोई दोस्त, पंकु का कोई रिलेटिव अप्लाई कर सकता है। यानी कि जो व्यक्ति पीड़ित है, यानी कि पंकु पीड़ित है, पंकु के अलावा भी कोई दूसरा व्यक्ति इस रिट को अप्लाई कर सकता है। तो हैबियस कॉर्पस आप समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे रिट की तरफ, परमादेश, मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है? अब भाई देखिए, पंकु हमारा जो है अमीर बन गया, पंकु के पास काफी पैसा हो गया, अब पंकु जो है क्राइम की लाइन में घुस गया, तो उसने एक बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, ठीक है। अब जानते हैं क्राइम की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के ऑफिसर्स के द्वारा की जाएगी। अब पंकु चाहता है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, जो वो रिपोर्ट बनाए, उसके पक्ष में बनाए, तो पंकु क्या करेगा, पुलिस वालों को घूस देगा कि जो इन्वेस्टिगेशन करे भाई, उसको इस तरीके से करे कि जो रिपोर्ट बने और वो न्यायालय में जाए तो उसको कम सजा हो। तो ऐसे में जो अपराध से पीड़ित व्यक्ति है उसको ये पता चलेगा, तो याचिका दायर करेगा और उस याचिका के बेस पर जो है न्यायालय रिट जारी करेगा। किसको? पुलिस वालों को। भाई आपका जो मूल कर्तव्य है आप उसको कीजिए, यानी कि आप अपना कार्य तो कर रहे हैं बट उसको संवैधानिक ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो समझ गए, मैंडेमस, ठीक है, मैंडेमस इस केस में इशू की जाती है। तो यह कानूनी रूप से कार्य करने और गैर कानूनी कार्य के अंजाम से बचने के लिए एक आदेश के रूप में एक न्यायिक उपाय है। मैंडेमस लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है हमारा आदेश। हमारा आदेश है कि आप अपना मूल कर्तव्य नियमों के दायरे में रहकर कीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं,
उत्प्रेक्षण, सर्सियरी। सर्सियरी क्या होता है भाई? भाई अब एग्जांपल लेते हैं, पंकु का ही ले लेते हैं भाई। मान लीजिए पंकु अपराध में ना पड़ता, ठीक है, वो अच्छी तरह से पढ़ता लिखता, तो वो क्या, उसने क्या किया, मान लीजिए जुडिशियल एग्जाम पास कर लिया और वही जो एक न्यायालय में जाके जज बन गया, ठीक है। अब पंकु के पास एक केस आया, ठीक है, पंकु के पास एक केस आया, उस केस पर उसने जो है, पंकु ने निर्णय ले लिया, यानी कि उसने वो केस क्या कर दिया, वो निर्णय लेके फाइनलाइज कर दिया, क्लियर। अब जो उच्च न्यायालय था, मान लीजिए हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट को लगा कि पंकु जी ने जो निर्णय लिया है वो संविधान के दायरे में नहीं लिया है, यानी कि उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, या फिर वो निर्णय असंवैधानिक है। तो कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करेगा, उच्च न्यायालय या फिर उससे जो ऊपर का न्यायालय होगा, वो पंकु के केस को अपने पास मंगवाएगा, उसकी क्या करेगा, समीक्षा करेगा। यदि उसको लगता है कि पंकु के द्वारा लिया गया निर्णय ओके है, तो वो केस एज इट इज रहेगा, पंकु का निर्णय एज इट इज रहेगा। यदि कोर्ट को लगता है कि पंकु ने जो निर्णय लिया है वो असंवैधानिक है, तो कोर्ट उसको क्या करेगा, रद्द कर देगा पंकु के द्वारा लिए गए निर्णय को, समझ गए। तो उत्प्रेक्षण कब जारी होगा, पंकु ने यानी कि केस का निर्णय ले चुका है, यानी कि जब कोई जज किसी केस का निर्णय ले चुका होता है तब उसकी समीक्षा की जाती है हाई कोर्ट यानी कि उससे ऊंचे न्यायालयों के द्वारा, तब जो है रिट जारी होती है उत्प्रेक्षण। अब नेक्स्ट रिट की हम बात करते हैं जो निकल कर आती है, वो है प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन क्या है, प्रोहिबिशन कब जारी होगी भाई, फिर वही बात करते हैं, पंकु हमारा एक कोर्ट का जज है, अब वो एक केस को डील कर रहा है, उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, वो पंकु की कोर्ट में पेंडिंग है। उच्च न्यायालय को लगता है कि पंकु जिस केस पर काम कर रहा है वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो उच्च न्यायालय होगा वो प्रोहिबिशन रिट जारी करेगा, वो सीधा सीधा पंकु को कहेगा भाई ये जिस केस पे तू काम कर रहा है इसको जो प्रोसीडिंग है वो रोक दे, क्योंकि प्रोहिबिशन का मतलब ही क्या होता है, मना कर देना, बंद कर देना। अब देखिए डिफरेंस देखिए, पंकु ने वो केस फाइनलाइज नहीं किया है निर्णय लेके, प्रोसीडिंग चल रही है आपकी, ठीक है। अब आता है कि हमने पढ़ा प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, अब आता है इनके बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने बताया था कि उत्प्रेक्षण में पंकु ने केस को फाइनलाइज कर दिया था निर्णय लेकर, लेकिन प्रतिषेध में क्या था, पंकु के पास केस पेंडिंग था और उसकी प्रोसीडिंग चल रही थी, क्लियर। तो उस प्रोसीडिंग को रोकने के लिए जो प्रतिषेध जारी किया गया और जो निर्णय ले चुका था उसकी समीक्षा करके वो आपका जो निर्णय था पंकु का उसको सही किया या गलत किया, तो कौन सी रिट के आधार पर, उत्प्रेक्षण रिट, समझ आ गई। उत्प्रेक्षण कब लगेगी और प्रतिषेध कब लगेगी, क्यू वारंटो, अधिकार प्रेक्षा भाई। फिर एग्जाम्पल पंकु का लेते हैं हम, आप सभी जानते हैं हम संविधान के द्वारा हमारे देश के अंदर बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं संविधान के द्वारा जो निर्मित किए गए हैं। अब ऐसे में संविधानिक प्रक्रिया ही होगी कि उनके ऊपर जो है व्यक्तियों को बैठाया जाएगा, यानी कि उन पदों पर व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं फिर से पंकु का, पंकु क्या हुआ, कोई सरकारी यूनिवर्सिटी थी उसका कुलपति बन गया। अब जो पंकु की नियुक्ति थी वो थी असंवैधानिक, भाई पंकु मजे से कुलपति का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में रिट जारी की जाती है कोर्ट के द्वारा, किसको, पंकु को, क्या, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब किस वारंट के द्वारा, मतलब कि भाई पंकु तो किस आधार पर जो है इस यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। क्यू वारंटो का मतलब यह है किस वारंट के द्वारा, किस अधिकार के द्वारा, क्लियर। तो यदि पंकु अपना आधार स्पष्ट नहीं कर पाता है कुछ दिनों के अंदर, जितनी दिनों की मोहलत देती है रिट में न्यायालय, तो क्या किया जाता है, पंकु को उस पद से हटा दिया जाता है, क्लियर। तो क्यू वारंटो आप समझ गए कब जारी किया जाता है, ठीक है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसका वह हकदार नहीं, तब न्यायालय अधिकार प्रेक्षा को जारी कर सकता है और व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। तो भाई ये थी आपकी पांच रिट जो आपको
पंकु के रूप में बहुत ही अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि और कौन सी नेक्स्ट वीडियो जो आप बिल्कुल सही तरीके से ऐसी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लेकर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए।